प्रशासन के दोहरे रवैये के कारण हम लोगों को आज यहाँ आना पड़ा। प्रशासन ने हिंदुओं के साथ कुठारघात किया, संगठन के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ में जबरदस्ती लाठी का दबाव बनाना, धमकी देना, वीडियो बनाना। परिषद बजरंग दल का बैनर लगा हुआ था, घर से कहो हम हिंदू हैं, उस बैनर को लेके वहाँ विवाद हुआ। ऐसा लग रहा है कि आज आप हिंदुस्तान में होते हुए भी हम आजाद नहीं है और एक प्रशासन की हम गुलामी झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। आज मैं राजसमंद जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में हिंदू संगठनों के विभिन्न पदाधिकारी कार्यकर्ता यहां पर एकत्रित हुए हैं। और मुख्य मुद्दा है, देवगढ़ में एक विवाद हुआ था, उस विवाद को लेकर सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। सर, शुभ नाम आपका? पिंटू मेवाड़ा, आमेर जिला मंत्री विश्वेंदु परिषद। आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं देवगढ़ से, पूरे राजसमंद और सभी जगह से लोग आए हैं, तो आखिर क्या है? ऐसा प्रशासन के दोहरे रवैये के कारण हम लोगों को आज यहाँ आना पड़ा। प्रशासन ने हिंदुओं के साथ कुठारघात किया एवं अपने जो हिंदुओं की जो आस्था है, धर्म, अपने मंदिर के ऊपर उन्होंने जूते सहित पहनकर हिंदू धर्म की आस्था के ऊपर कुठारघात किया। उसके लिए हम सारे जो इसमें सम्मिलित है प्रशासन के अधिकारी उनको तत्काल सस्पेंड करें एवं जो हमारे स्थानीय मांगे हैं वहाँ की, दो चार उनको तत्काल पूरी की जाए, जो हम इस ज्ञापन में दे रहे हैं अभी। क्या मुख्य मांगे हैं? जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर रखा एक दो वहाँ, और एक मुहर्रम का रूट चेंज किया जाए और मुहर्रम की जो इनकी जो लंबाई है उसको कम की जाए। ये मेन मुद्दा है, क्योंकि ये हमेशा ये मुहर्रम की जो लंबाई की वजह से आए दिन आम जन को समस्या होती है। कभी लाइट के वायर काटते हैं, कभी बैनर काटते हैं, ये इनको नीचे निकलने में दिक्कत होती है और ये सांप्रदायिकता फैलाते हैं। अच्छा, ये आज जो ऐसी स्थिति आई, आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए, ऐसी स्थिति क्यों बनी? ये प्रशासन की वजह से बनी है। प्रशासन कुछ असामाजिक तत्वों को बहुत ज़्यादा तवज्जा दे रहा है, जो कि एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का बैनर लगा हुआ था, घर से कहो हम हिंदू हैं, उस बैनर को लेके वहाँ विवाद हुआ और उस बैनर को उन प्रशासन द्वारा हटवाया गया, जबकि वो बैनर मुहर्रम के कहीं टच नहीं हो रहा था, इतनी हाइट पे पहले से ही बंधा हुआ था। उसमें ये था कि रात को वो नहीं था और सुबह के वक्त था, ये नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो बहुत पहले से लगा हुआ था बैनर, पहले से लगा हुआ था बना, उस समय से ये वो बैनर लगा हुआ है। जब राम मंदिर की स्थापना हुई, राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय वो बैनर लगा हुआ था, वो पहले से नहीं लगाया गया और बाद में नहीं लगाया गया, पहले से लगा हुआ है। अब जैसे ये उस दिन जो जुलूस निकल गया, आज सीएलजी की बैठक हुई, उस सीएलजी बैठक में कहा गया कि भाई 25 फीट से ऊपर का जो बैनर है उसको प्रशासन नहीं हटाएगा, और नहीं हटाने के की बात हुई और फिर उन्होंने हटाया। फिर भी हमने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ आपत्ति है तो हम इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं और आप निकल जाना, साइड में किया, फिर भी मेरे पास उन्होंने उसको हटाया उन्होंने। अच्छा, लेकिन ये मुहर्रम भी उस समय तो समझाइश की सब मान भी गया था, आज वापस ऐसे ही? नहीं नहीं, कोई समझाइश नहीं हुई, समझाइश कुछ नहीं हुई। फिर क्या, कार्यकर्ताओं को जो वहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उनको प्रशासन द्वारा दबाव में लिया गया, उनको डराया धमकाया गया, उन्होंने कहा भी आपके साथ हमारे पास आपके साथ मुकदमा बनेगा, आपको मुकदमा करेंगे, आप यहाँ से निकलो क्या, नहीं तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे। अच्छा, ये जो स्थितियाँ जो अब तक जो प्रशासन ने जो समझाइश भी की, मिल मुलाकात भी, उसमें आप संतुष्ट नहीं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। प्रशासन के द्वारा एक हिंदू कार्यकर्ताओं को, सभी हिंदुओं को गुमराह किया गया। जिस दिन सीएलजी की बैठक हुई थी उस बैठक में क्लियर बात हो गई थी कि 2007 में सभी हिंदू संगठन और विशेष समुदाय के बीच एक समझौता वार्ता हुई कि 12 फीट से ऊपर कोई मुहर्रम और छड़ी नहीं बनेगी, तो उसके बावजूद उनकी छड़ी छोटी थी और बैनर लगभग 25 फीट ऊपर लगा हुआ था, उस बैनर के विषय में चर्चा हुई कि भाई जो ऊपर लगे उसको हम नहीं छेड़ेंगे। उस समय तत्काल, जिस समय मुहर्रम निकल रही थी उस समय तत्काल वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हुई हमारी कि भाई हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, और अधिकारियों ने उन विशेष समाज को कह दिया कि भाई आप अपनी मुहर्रम निकालनी तो निकालिए, वरना मत निकालिए। उसके बाद अधिकारी में जो यहाँ के जो तत्कालीन ADM और जो देवगढ़ के तत्कालीन SDM और यहाँ के जो अतिरिक्त SP है अनंत कुमार जी और जो देवगढ़ पुलिस प्रशासन, इनके बीच में जो गुटरगु हुआ, 2 घंटे मुहर्रम को रोकने के बाद, गुटरगु करने के बाद जो हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ में जबरदस्ती लाठी का दबाव बनाना, धमकी देना, वीडियो बनाना, और जो वहाँ राजा राम जी जानकी का जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर प्रशासन को जबरदस्ती पिछले गेट से SP अनंत कुमार स्वयं एक पुलिस को ले जाके
उन कार्यकर्ताओं को धमकाना, इस प्रकार का प्रेशर करना और फिर कहा थोड़ी देर रुको हम सबको एक एक डालते हैं, इस तरह का प्रेशर बनाकर जबरन उस बैनर को हटाकर एक हमारी जो आध्यात्मिक एक शक्ति है, जो हमारा धर्म है, उसके एक विशेष आपने विद्रोह टाइप की एक भावना प्रेरित की है, जिससे सबको हमको एक ऐसा लग रहा है कि आज आप हिंदुस्तान में होते हुए भी हम आज़ाद नहीं हैं और एक प्रशासन की हम गुलामी झेल रहे हैं। अच्छा, ये मुख्य रूप से जो उस बैनर को लेकर जो सवाल उठा, इसको लेकर विवाद हुआ, मुख्य रूप से बैनर के बाद की जो स्थितियां हुई प्रशासन का, उस समय वक्त ये कहना था कि समझाइश के बाद लोग मान गए हैं और ये, लेकिन मोहर्रम का पर्व गुजर गया और अब ये वापस इकट्ठे होने की, इतने टाइम ये गुजरा, ये क्या, ये आप जो बोल रहे हो इतना समय, अभी जो कुछ हिंदुओं के जो धार्मिक पर्व थे जैसे गुरु पूर्णिमा, तो उस पर्व के कारण से हमने पूरा हिंदू समाज की आस्था रहती है, पर्व निकलने के बाद में हमने उससे पहले ही हम सो प्लानिंग में था हिंदू समाज कि कलेक्ट्री पर जाकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के नाम हम एक ज्ञापन देंगे, जो आज गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन हम सभी साधु संतों के सानिध्य में देवगढ़ का और आसपास का जो हिंदू समाज एक उद्वेलित है, आंदोलित है, जिस प्रकार का जो मोहर्रम का के दिन हिंदू समाज के ऊपर जो प्रशासनिक लोगों ने जो दबाव बनाया और जो कुठाराघात किया, उसका विश्व हिंदू परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है, घोर भर्त्सना करता है और ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ में प्रशासन और मुख्यमंत्री जी उचित कार्रवाई करके संज्ञान लेवे और हिंदू समाज को संतुष्ट करे, नहीं तो आने वाले समय में अगर कोई कार्रवाई अगर नहीं करता है, अगर प्रशासन या राजनीतिक सरकारों के माध्यम से, तो देवगढ़ बंद का आह्वान किया जाएगा, उसमें भी अगर किसी प्रकार की अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो साधु संतों के माध्यम से संपूर्ण राजसमंद जिले बंद करवाने का आह्वान किया जाएगा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी और समय रहते हम प्रशासन को सावचेत करने आए, आज कलेक्टर साहब के माध्यम से हम मिलने के लिए आए हैं कि जो हिंदू समाज आंदोलित है, उद्वेलित है, 2007 में भी परम पूजनीय जो गुरुजी का जन्म शताब्दी वर्ष था, उस समय जो एक बैनर लगा हुआ था उसको मुस्लिम समाज के उपद्रवियों ने उसको पिरामिड बना करके उसको खींचा, रोड पे डाला और पैरों तले रोंदा, उसके बाद से ही 2007 के बाद से ही देवगढ़ में यह जो इनका जो जुलूस निकलता है था मोहर्रम, उसके बाद में हिंदू समाज ने निर्णय लिया और 2007 के बाद में से उस दिन से देवगढ़ बाजार बंद रहते हैं और अभी तक भी इसका निस्तारण नहीं निकला है। अब हिंदू समाज आंदोलित है, तुरंत कलेक्टर साहब संज्ञान लेवे, नहीं तो यह चिंगारी अगर सुलग गई तो इससे इसको निपटना बहुत भारी हो जाएगा। समय रहते हम प्रशासन को सावचेत करने के लिए आए हैं, तुरंत संज्ञान लेवे और अब हम यहाँ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए जाएंगे और कलेक्टर साहब वो मुख्यमंत्री जी को हमारी भावनाओं से अवगत कराए और तुरंत ये जो ताजियों का जो जुलूस निकलता है, हम ये आज पूरी तरीके से मांग करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इस ताजिए को जुलूस हिंदुओं की बस्तियों से निकलना बंद करे, नहीं तो आने वाले समय में अगर कोई उपद्रव हुआ तो इसका संपूर्ण जिम्मेदार प्रशासन की रहेगी। आज हम सावचेत करने के लिए आए हैं। जय श्री राम। हमारे साथ में गुरुजी भी हैं। गुरुजी, आज ये इतना आक्रोश लोगों में क्यों देखा जा रहा है? इसलिए देखा जा रहा है कि मंदिरों की इज्जत नहीं कर रहे हैं लोग, और जूते पहन के मंदिर में चढ़ रहे हैं और मंदिर के ऊपर चढ़ गए, मंदिर में भगवान के सामने जूते पहन के आ रहे हैं ये लोग, प्रशासन वाले वगैरह सब जो भी है, और मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया था, बाहर निकलने नहीं दे रहे। मतलब हमको कोई काम है बाहर जाना, बाजार में तो जा नहीं सकते, और लेके राइफल खड़े रहते हैं दरवाजे पर। तो अब कुल मिला के अंतिम चेतावनी के तौर पर प्रशासन कोई ज्ञापन देने में? बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम चेतावनी है, बिल्कुल। धन्यवाद। ये मुख्य आप हिंदू संगठनों के लोग शहीद स्मारक के बाहर एकत्रित हुए हैं, जयकारे लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर रैली के रूप में पहुंचेंगे और जिला कलेक्ट्रेट का ज्ञापन देंगे। इनका कहना है कि अगर प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये उग्र आंदोलन करेंगे।